हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक से कलेक्ट किए गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8-1 से। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ऑप्शंस देखते हैं, ए 1953, बी 1853, सी 1895 और डी 1858। तो जो भारत में रेल का जो आरंभ हुआ था वो 1873 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1950, बी 1898, सी 1955 और डी 1960। जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस और डी समझौता एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है वो विवेक एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी थार एक्सप्रेस, डी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है वो शताब्दी एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ए जॉर्ज ऑरवेल, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी जॉर्ज स्टीफेंसन और डी अन्य। तो रेल इंजन के आविष्कारक थे वो जॉर्ज स्टीफेंसन थे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? ए 1915, बी 1903, सी 1899 और डी 1905। तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1905 ईस्वी में की गई थी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ए 44 किलोमीटर, बी 34 किलोमीटर, सी 24 किलोमीटर, डी 36 किलोमीटर। तो भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी की जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी दिल्ली और डी मुंबई। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा थी वो कोलकाता में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ए इलाहाबाद, बी हाजीपुर, सी चेन्नई और डी गोरखपुर। तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा और डी अन्य। तो भारत के जो मेघालय राज्य है उसमें कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? ए जॉर्ज स्टीफेंसन, बी अब्दुल रहीम, सी जॉन मथाई और डी अन्य। जो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट था वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड और डी अन्य। तो भारतीय जो रेल का स्लोगन है वो राष्ट्र की जीवन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ए। 13 देखते हैं, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी छठा, सी चौथा और डी सातवां। तो भारतीय जो रेलवे है उसकी रेल लाइन की जो लंबाई है वो
अगर विश्व में देखेंगे तो चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए जॉन मथाई, वी लॉर्ड डलहौजी, सी जॉर्ज स्टीफेंसन, डी अन्य। तो भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ए मुंबई, वी दिल्ली, सी कोलकाता और डी जयपुर। तो भारत में सबसे लंबी जो ट्रेन चली थी वो मुंबई में चली थी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।